जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसमें दोनों ब्लॉक के मासेस दिए हुए हैं, मतलब एक ब्लॉक और एक वेज, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दी हुई है, और ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो वॉल से कनेक्टेड है, और हमें क्या करना है, हमें इसमें एक्सेलरेशन ऑफ वेज फाइंड आउट करनी है। इसमें अगर आप देखोगे तो मतलब स्ट्रिंग कनेक्टेड जहां पे भी सिस्टम आता है वहां पे डेफिनेटली आपको एक कंस्टेंट रिलेशन तो लगाना ही पड़ता है, मतलब कि एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं कुछ वैल्यूज चूज करता हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए। आप देखो यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखो पहले एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। और एनालिसिस हम कर रहे थे कि जैसे ये ब्लॉक जब नीचे स्लाइड करेगा, ये ब्लॉक जब नीचे स्लाइड करेगा तो ये वाला पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग जो है ये लंबा होगा ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर, अगर ये पोर्शन लंबा होगा तो स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं तो छोटा होना पड़ेगा ना, हाँ तो छोटा किधर होगा बताओ, ऑप्शन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे राइट, हाँ सर, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग छोटा होगा। और ये स्ट्रिंग को छोटा डिग्रेड होने के लिए, ये स्ट्रिंग को छोटा होने के लिए वेज को किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट? राइट राइट राइट। इसका मतलब कि जब मोशन होगा तो ऐसा होगा कि ये वेज नीचे उतरेगा रिलेटिव टू वेज एंड ये ब्लॉक नीचे वेज इधर, उतरेगा और वेज राइट मूव करेगा। ये समझ आ रही है आप सबको? हाँ सर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखो मैं वेरिएबल चूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्लॉक की एक्सेलरेशन को डाउन द इंक्लाइन ये चूज किया है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू वेज, ऑब्वियसली दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तब होता, दिस वुड हैव बीन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली इफ, सॉरी ओनली इफ द वेज वाज फिक्स्ड, बट सिंस द वेज इज नॉट फिक्स्ड, तो सिंस द वेज इज नॉट फिक्स्ड यू कैन नॉट से दैट। कुछ बोल रहे हैं बेटा? You cannot say that this acceleration is with respect to ground. This is with respect to wedge. मतलब wedge पे आप खड़े होके देखोगे तो आपको दिखेगा ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रही है। बट अगर ग्राउंड से देखोगे तो wedge भी तो राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब इसके साथ साथ ब्लॉक भी क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने एक एक्सेलरेशन के लिए वेरिएबल चूज किया, देखो ब्लॉक की एक्सेलरेशन के लिए मैंने ए स्मॉल ए चूज किया है, एंड वेज की एक्सेलरेशन के लिए मैं एक और वेरिएबल चूज कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज कैपिटल ए, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज फॉर वेज, ठीक है, कैपिटल ए चूज किया, स्मॉल ए नहीं यूज कर रहे क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं यूज कर सकते। तो सबसे पहला काम हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब ये जो एक्सेलरेशंस का हम वेरिएबल चूज कर रहे हैं इन एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, पहला ऑब्जेक्टिव यही हमारा फाइंड करना, ठीक है। तो एक बार ट्राई करें, इसमें सबसे आसान तरीका ये होगा वेज का कंस्टेंट, मतलब ये स्ट्रिंग का कंस्टेंट लगाने के लिए कि आप अपने आप को क्या करो, अपने फ्रेम को आप वेज के ऊपर फिक्स कर लो, जस्ट ट्राई टू फिक्स योर फ्रेम ओवर द वेज। एक बार वेज के ऊपर अपने आप को फिक्स करके फिर मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करो कि कैसा दिखेगा आपको। तो जैसे ही आप अपने आप को यहां पे फिक्स करते हो तो अब आपको तो वेज सीधा नीचे जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा राइट। अब तो आपको मतलब जो ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक जो है वो वेज में नीचे स्लाइड करता हुआ दिखेगा, ब्लॉक जो है वो राइट की तरफ जो शिफ्ट कर रहा था वेज के साथ, अब वो तो नहीं दिखेगा आपको। विल यू सी दैट? नो नो, अब वेज भी फिक्स्ड है। तो इस केस में अब एक चीज सोचो कि जो भी फिक्स चीजें थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे फिक्स कौन था कि क्या ये वॉल क्या मूवेबल था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नहीं, बट जब हम अपने फ्रेम को इसके अंदर शिफ्ट किए हैं तो अब मेरे लिए वॉल शिफ्ट करेगा ना। हाँ सर, वॉल विल अपीयर टू बी मूविंग क्लोजर टू अस, वॉल विल अपीयर टू बी मूविंग क्लोजर टू अस, है ना? हाँ सर, राइट, वही रिवर्ट एंड ऐड का लॉजिक। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, ये वॉल जो है ये आपकी तरफ आ रही है विद सम एक्सेलरेशन विच इज कैपिटल ए, आ रही है बात समझ में, रिवर्ट एंड ऐड किया है, ठीक है। Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक में करने की जरूरत नहीं क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी रिलेटिव टू वेज ही लिखा गया है। ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है। तो ब्लॉक में ये काम नहीं करेंगे, ब्लॉक में रिवर्ट एंड ऐड वाला कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है, अब आपको ये दिख रहा है कि इस एंड पे ये छोटा हो रहा है और इस एंड पे ये लंबा हो रहा है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि जितना ये लंबा होगा उतना ही छोटा होना पड़ेगा। एंड टू एंड कनेक्शन का ही तो केस हो गया ना, देखो तो एंड टू एंड का केस, क्या ये एंड टू एंड कनेक्शन का केस है कि नहीं? देखो एक सिंगल स्ट्रिंग दिख रही है आपको, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड एंड टू एंड कनेक्शन, और एंड टू एंड कनेक्शन में आपको पता है कि एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होती है, सेम होती है ना? यस, राइट। तो इसका मतलब है इसमें ये जो हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन कैपिटल ए, मतलब ये रिलेटिव एक्सेलरेशन चूज किया है स्मॉल ए एंड ये जो कैपिटल ए चूज किया, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था। हाँ बोलिए बेटा, ये बेस्ट तरीका था कंसिस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करने का। तो इससे ही हमने देख लिया, सो विथ रिस्पेक्ट टू वेज वी कैन सी
end to end connection, end to end connected motion, connected motion, and hence acceleration along the length of string has to be equal. And therefore, अब कंडीशन क्या लगाओगे आप? कंडीशन लगाओगे आप कि a should be equal to a relative, which is equal to a आना चाहिए. तो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है? मतलब दोनों की एक्सेलरेशन बेसिकली मैग्नीट्यूड में सेम होगी. आई होप आपको समझ आ गई ये बात. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन तो हमने लिख लिया है, ठीक है? ये दोनों रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब एक काम करते हैं, सिंस हमने ऑलरेडी फ्रेम को अपना वेज के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, तो इसमें जो लटका हुआ ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? लटका हुआ ब्लॉक के लिए, मतलब जो ब्लॉक लटकी हुई है, तो यहाँ पे ये mg एक फोर्स आएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी और एक सूडो फोर्स भी आएगा ना, आएगा? हाँ सर. एंड दैट विल बी स्मॉल m इनटू कैपिटल a, राइट? दैट इज द सूडो फोर्स. आई होप आपको समझ आ रही है. हाँ सर. और एक टेंशन तो है ही, दिस टेंशन इज ऑलरेडी देयर. तो अब इसमें फोर्सेस के कंपोनेंट एक बार ब्रेक कर लेते हैं. तो इस तरफ आनी आपकी mg sin अल्फा, और ये वाली जो फोर्स हमने दिखा रखी है, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी mg cos अल्फा एंड प्लस m इंटू कैपिटल a sin अल्फा, क्योंकि ये वाली एंगल अल्फा है, ठीक है? और जो सूडो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन भी है, that is small m into a into cos alpha. देखो आपको समझ आई है क्या? हाँ सर. ठीक है, free body diagram clear है सभी को? हाँ सर. ठीक है, अब perpendicular to the surface of wedge, उस direction में तो कोई acceleration है नहीं with respect to wedge, तो उस direction में net force को zero करेंगे. So therefore, from FBD, ठीक है, from FBD of block, block की FBD से कर रहे हैं, ठीक है? एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी कॉस ऑफ अल्फा प्लस एम ए साइन ऑफ अल्फा, ठीक है? दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन आएगी आपकी पैरेलल टू इंक्लाइन. पैरेलल टू इंक्लाइन आपको पता है रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने स्मॉल ए चूज किया है, तो एम जी साइन अल्फा नीचे की तरफ है, एम जी साइन अल्फा लिखा नीचे की तरफ, फिर माइनस ऑफ टी ऊपर की तरफ, माइनस ऑफ एम ए कॉस अल्फा ऊपर की तरफ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इन टू ए. ये हो गई थर्ड इक्वेशन. आई होप आपको समझ आ गई ये भी इक्वेशन. समझ आ गई आपको ये भी इक्वेशन? हाँ सर. यस सर. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वेज का, ठीक है? वेज का डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे, बट वेज का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालाइज करिए आप, उसी के ऊपर बैठ के एनालाइज नहीं करेंगे. तो अब हम फॉर वेज कर रहे हैं, ठीक है? अब वेज के लिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं. तो इसके लिए सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको. ये एंगल अल्फा है, इसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, एंड इसकी एक्सेलरेशन हमने कैपिटल ए चूज की है, ठीक है? इस पे फोर्सेस क्या कहेंगे? एक इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी, एक यहां से नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ऑफर करेगा एम जी, एक यहाँ पे उस ब्लॉक ने नॉर्मल रिएक्शन प्लेस किया था n, जो हमने वेरिएबल n चूज किया था, और यहाँ पे देखो ये पुली से कनेक्टेड था ऊपर में, देखो पुली से कनेक्टेड है. और मैंने आपको बताया था जब भी पुली के साथ कनेक्टेड ब्लॉक्स आपको दिखते हैं किसी के लिए और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो पुली को कभी भी उसके साथ अलग नहीं किया करो, क्योंकि पुली कितना रिएक्शन लगा रहा है वो आपको पता नहीं है, इसीलिए पुली को उसके साथ फ्री बॉडी डायग्राम में मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है? तो पुली के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो भी आपको लेनी पड़ेगी. तो देखो ये सिचुएशन दिखेगा आपको, इधर से भी टी, इधर से भी टी, एंड सिंस दिस एंगल वाज अल्फा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा. देखो डायग्राम आपको समझ आ रही है? कैन यू सी दिस डायग्राम क्लियरली? यस सर. ठीक है, अब बस यहाँ पे कॉम्पोनेंट बस ब्रेक करना बचा हुआ है, ठीक है? आप चेक करो एक बार, ये वाली एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी अल्फा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट विच इज एन कॉस अल्फा, एंड एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है विच इज एन साइन अल्फा. दिख रही है आपको? हमें तो हॉरिजॉन्टल मोशन से मतलब है, तो टेंशन में भी देखो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा. आप देखो ये वाली जो इंक्लाइन स्ट्रिंग है, देखो ये वाली इंक्लाइन स्ट्रिंग, इस टेंशन का भी तो एक इधर का कंपोनेंट है ना, टी कॉस अल्फा. दिख रही है आपको?
हाँ सर ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स अगर आप लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे बताओ, टी प्लस टी कॉस अल्फा ये हो गई राइट की तरफ माइनस ऑफ एन साइन अल्फा एंड दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इनटू कैपिटल एच, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। हमने वेरिएबल कितना चूज किए थे एक बार ये चेक कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि जितना वेरिएबल आप चूज करेंगे उतने सारे इक्वेशंस भी आपको चाहिए। आप देखो यहाँ पे डायग्राम में चेक करो, स्मॉल ए कैपिटल ए दो वेरिएबल चूज किया था, फिर नॉर्मल रिएक्शन थर्ड वेरिएबल चूज किया था, फिर टेंशन फोर्थ वेरिएबल चूज किया था, इजंट इट राइट? हाँ सर। बाकी सारा नोन क्वांटिटीज है, तो चार वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए? चार इक्वेशन एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन। देखो चार इक्वेशन आ गए। हाँ सर। अब इनको आराम से हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ठीक है। आज के क्लास में ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, तो इसलिए ये सॉल्व कर इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट में स्किप कर दूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को। हाँ सर ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जो था वो तो आपने देख लिया, इक्वेशन भी फ्रेम कर लिया है, क्योंकि आज फिर मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो उससे अच्छा है हम ज्यादा एग्जांपल्स देख लेते हैं ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, स्पेस मैंने छोड़ा था, मैं सोचा था करूंगा बट अभी काफी टाइम आधा घंटा से ज्यादा तो लॉस ही हो गया हमारा ठीक है, तो इसलिए वो वाला पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना है आपको ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स m1 एंड m2 बीइंग कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे ये m1 m2 रखा हुआ है ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अगर हॉरिजॉन्टल सर्फेस पे रखा है तो ग्रेविटी का कोई रोल है क्या इसमें? आप सोच के देखो, क्या ग्रेविटी का कोई रोल होगा? नहीं सर। है ना, मतलब इसमें mg आप ऐसे लगा के दिखा पाएंगे कि अगर किसी ने ऐसे mg दिखा दिया तो क्या सही दिखा रहा है? नहीं। समझ आ रही है, क्योंकि ये डायग्राम जो दिख रही है किसकी है? टॉप व्यू की है, ये आपको समझ आ रही है? हाँ सर। मतलब केबल को आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वेट किधर लग रहा होगा? स्क्रीन के अंदर लग रहा होगा, समझ आ रही है आपको? ठीक है, समझ आ रही है? That is how you say. You don't draw diagrams like that, ठीक है? आप ऐसा वेट नहीं दिखा सकते इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इस केस में ये डायग्राम जो है वो टॉप व्यू है, ठीक है? mg का कोई रोल नहीं है इसमें। उसके बाद उसने कह रखा, the particle m2 is projected with a velocity v perpendicular to the string. String के perpendicular एक velocity v दे दी है। अब tension in the string निकालना है and radius of curvature of path of m2 at this instant निकालना है। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं, देखते हैं, चेक करें। अब देखो एक चीज, अगर आप देखोगे सपोजिटली मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर m1 फिक्स्ड होता ठीक है, इफ m1 वाज फिक्स्ड, अगर m1 फिक्स्ड होता तब आपके पास सिचुएशन कैसा होता? यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको और यहाँ पे m2 है और इसको वेलोसिटी v देके l लेंथ से कनेक्ट करके छोड़ दिया है, तो इसका पाथ कैसा होता? सर्कुलर होता या नहीं होता? सर्कुलर होता है। ये सब हो रही है, ये सबको रियलाइजेशन हो रही है कि इसका पाथ सर्कुलर होता है इस केस में? हां सर। m1 को सेंटर लेके ये कुछ ऐसा होता है ठीक है, दिस पाथ वुड हैव बीन सर्कुलर, विल बी सर्कुलर नहीं बोल रहे, दिस पाथ वुड हैव बीन सर्कुलर। और अगर ये सर्कुलर होता तो उस केस में इसको सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन तो चाहिए ही, चाहिए नहीं चाहिए? क्या बोलते हैं आप, v स्क्वायर बाय l सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, राइट? हाँ सर। तो ये एक्सेलरेशन उसको कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ का टेंशन प्रोवाइड करता है या नहीं? यस सर। तो क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू एम इनटू वी स्क्वायर बाय एल, ये तो लिखते हैं ना आप, एम टू सॉरी टू इनटू वी स्क्वायर बाय एल, राइट? बट दिस इज व्हेन, ये कब आप करते हैं? जब एम वन फिक्स होता, राइट? हाँ सर। बट यहाँ पे सोच के देखो, जब आप एक वेलोसिटी देते हो m2 को, वेलोसिटी देते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ये सेंस तो आ रहा है कि यहाँ पे टेंशन जो है इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा ना तुरंत से, आप एक स्ट्रिंग एक एक एंड को भगाओगे तो स्ट्रिंग तो इमीडिएटली टाइट हो जाएगा, हो गया नहीं? हाँ सर। तो ऑब्वियस अगर टेंशन इधर लग रही है तो इधर भी लगेगी या नहीं? लगेगी। हाँ सर। यस सर। तो क्या m1 फिक्स्ड रहा, क्योंकि m1 तो अब एक्सेलरेट कर जाएगा ना इधर, करेगा या नहीं? हाँ सर। यस सर। आर यू गेटिंग इट? तो m1 राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, m2 किधर? लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हां सर। तो m1 तो अब फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, अनलाइक दिस सिचुएशन, राइट?
बट आपको एक चीज तो पता है कि कोई भी चीज अगर मूविंग है और उसके रिस्पेक्ट में अगर एनालिसिस आसान हो रहा है तो हमें हमारा फ्रेम को कहाँ पे फिक्स कर लेना चाहिए, उस मूविंग ऑब्जेक्ट में। हाँ सर, राइट। कोई भी मूविंग चीज को फिक्स करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका यही है कि आप अपने फ्रेम को आप फिक्स कर लो। आप अपने फ्रेम को वहां फिक्स करोगे तो आप बोलोगे कि वो चीज मेरे लिए क्या होगी, स्टेशनरी होगी, और उसके बाद फिर एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नाउ इफ यू आर फिक्सिंग योर फ्रेम ओवर वन ऑफ द एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, इफ यू आर फिक्सिंग योर फ्रेम ओवर वन ऑफ द एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द एडिशनल थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर? सुडो फोर्स। हाँ सर। तो इसका मतलब अगर मैंने M1 पे अपने फ्रेम को फिक्स किया तो मुझे M2 के ऊपर जो भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, भी सुडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए बस अब इतना ही काम है। देखो A1 की वैल्यू तो तुरंत आपको पता चल रही है इन टर्म्स ऑफ T कितनी होगी, क्या आपको पता चल रही है? Yes, T की वैल्यू डायरेक्टली क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज M1 into A1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर, राइट, है ना, ये तो लिख ही सकते हैं। और T की वैल्यू को हम M2 into A2 भी लिख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखो आप, A2 is not equal to V square by L। क्या आप लिख सकते हैं A2 को V square by L? A2 V square by L कब था? A2 V square by L कब था, याद करो, कब था? जब M1 fixed। जब M1 fixed था। M1 was fixed। क्या M1 यहाँ पे fixed है? नहीं। नहीं सर। नहीं। So can you say that the acceleration is V square by L for M2? Can you say that the acceleration is V square by L for M2? No sir। No। ठीक है, तो पहला चीज ये realize करने की है, ठीक है, कि M1 अगर fixed होता तभी हम ये लिख सकते थे, M1 अगर fixed नहीं तो नहीं लिख सकते। So अब हम क्या करेंगे, इसको वही चीज हम अपना काम आसान करने के लिए वही काम कर लेते हैं। So now we understand that analysis is easier if M1 was fixed. Therefore, we analyze motion with respect to M1. ठीक है, अब हम with respect to M1 analyze करेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक connected system दिखा देते हैं, but हम ये भी दिखा देंगे कि M1 पे ही हमने अपने frame को fix कर लिया है। ये M1 है, ये M2 है, इसको velocity v इधर दी गई है, ये length L है, हमने अपने frame को M1 पे fix किया है। तो अब ये fix हो गई हमारे लिए, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन ये कितनी होगी, ये कह सकते हैं ना, बीस पर बैल होगी, कह सकते हैं नहीं? हाँ सर, आप राइट। अब यहाँ का टेंशन टी है, तो अब क्या कंडीशन लिखोगे बताओ मुझे? अच्छा, रियल फोर्सेस के अलावा क्या करना है आपको, सुडो फोर्स भी तो लगाना है ना? हाँ सर। सुडो फोर्स कितना आएगा? एक्सेलरेशन टूवर्ड्स राइट था ना, तो हमें सुडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा, 2 into A1। आई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 into A1 आएगा, M2 into A1 आएगा, समझ आएगा आपको? Yes sir। तो कंडीशन क्या लिखोगे आप बताओ नेट फोर्स के लिए, T plus the pseudo force which is M2 into A1 that should be equal to M2 into relative acceleration which is V square by L। Did you understand this equation? Yes sir। Yes sir। अब T plus M2 into A1, A1 कितना था याद है आपको? M1, A1 कितना था, T by M1 था? हाँ सर। तो उसको T by M1 substitute कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे T by M1 and that is equal to M2 into V square by L। Therefore, यहाँ से देखो आपको tension तुरंत मिल गया, so tension is coming out to be M1 M2 by M1 plus M2 and that multiplied with V square by L। समझ आई आप सभी को? Did you understand everybody? Yes sir। Yes sir। Yes sir। ठीक है, अब tension की value अगर मिल चुकी है तो individually दोनों block का acceleration आप निकाल सकते हैं जिसका भी चाहिए। अगर आपको M1 का एक्सेलरेशन चाहिए तो T by M1 करना है, M2 का एक्सेलरेशन चाहिए तो T by M2 करना है, ये तो करना है, निकल जाएगा ना दोनों एक्सेलरेशन। हाँ सर। ठीक है, तो एक बार वो भी लिख लेते हैं, उस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डिस्कशन करना है।
सो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ए वन लिख लेते हैं, तो ए वन विल बी टी बाई एम वन एंड दैट विल बी एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड इन टू वी स्क्वायर बाई एल, एंड ए टू चाहिए तो दैट विल बी टी बाई एम टू एंड दैट विल बी एम वन बाई एम वन प्लस एम टू एंड दैट मल्टीप्लाइड विद वी स्क्वायर बाई एल. अब नेक्स्ट पार्ट में जो उसने पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ एम टू निकालना है. ये आपने मोशन इन टू डी में पढ़ा था, आपको याद है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? याद है? कोई भी पार्टिकल के पाथ में आप क्या करते हैं, दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट दिखाते हैं, एक जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं और एक वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जिसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहते हैं. और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को ही हमें क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर बाय आर लिखना पड़ता है. यू रिमेंबर दैट? हां सर. हां सर. बी स्क्वायर बाय आर, बी स्क्वायर बाय एल नहीं, ठीक है? तो यहां पे देखो ये जो a2 है इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. कैन यू सी दैट? यस. हां सर. a2 इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो इजंट इट ऑबवियस दैट a2 इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? यस सर. एंड दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज v स्क्वायर बाय r वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. सो बस वही काम करेंगे. सो देयरफॉर फॉर सेंट्री फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, for radius of curvature as a2 vector is perpendicular to velocity, so a2 vector is centripetal acceleration and therefore centripetal acceleration is v square by r and isko likhenge aap to ye likhenge m1 by m1 plus m2 and into v square by l. देखो यहाँ से v square cancel out हो गया. देखो radius curvature मिल गई या नहीं मिल गई? हाँ मिल गई. दिख रही सभी को? दिख रही सभी को? हाँ सर. R value आपको मिल गई है. This is m1 plus m2 divided by m1 and that multiplied with l. ये answer है. ठीक है? So ये चीज का ध्यान रखना कि अगर एक स्ट्रिंग को दो मासेस से आप कनेक्ट कर देते हैं और एक एंड पे आप वेलोसिटी देते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो दूसरा मास का फिक्स नहीं होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर डज नॉट बिकम एल, इट चेंजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ एम वन. ठीक है? याद रहेगा कंसेप्ट? यस सर. ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट पे. थोड़ी देर बाद फिर से एक बार एक और अच्छा इक्वेशन दिखाऊंगा, तब तक फिर से दूसरे कंसेप्ट पे आगे निकलते हैं. A bob of a simple pendulum of mass m rests on an inclined plane of wedge. If the wedge moves with a velocity v and acceleration a, disregarding friction at each surface, tension in the string find करनी है, acceleration of bob find करनी है, tension in string, normal reaction of wedge find करना है. ठीक है? तो अभी एक चीज देखो यहाँ पे, अगर आप notice करोगे तो जिसको वो bob कह रहे हैं वो bob का एक end तो fixed end है, दिख रही है आपको? एक एंड फिक्स्ड है, ये आपको दिख रही है? हाँ सर. हाँ सर. ये देखो ये वाला एंड फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड एंड. और अगर फिक्स्ड एंड है तो इस बॉब का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर ही होगा ना, वेज तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट बॉब का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा या नहीं होगा? हाँ सर. सबको रियलाइजेशन हो रही है ये बात की कि बॉब की पाथ जो होगी वो सर्कुलर होगी? हाँ सर. सो बॉब का पाथ सर्कुलर होगा. ठीक है? Path for bob will be circular. और कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रिपिटल और एक टेंजेंशियल, राइट? तो इस केस में हमें जब इस बॉब का भी अगर मोशन को एनालाइज करना होता तो हमें कैसा सोचना पड़ता? देखो ये फिक्स्ड एंड हम दिखा रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारा वो बॉब है, ये बॉब यहाँ पे प्लेस्ड है, इसकी पाथ कुछ ऐसे सर्कुलर होने वाली है, ऐसे कुछ सर्कुलर होगी. ठीक है? ये सर्कुलर पाथ दिखा रहा है. तो इसकी वेलोसिटी इस वक्त क्या इस तरफ होनी है? होगी नहीं होगी? हाँ सर. बट ये वेलोसिटी डेफिनेटली वी नहीं होगा, जो वी वेज का दिया हुआ है वो वी नहीं होगा, वहां पे आपको कंस्टेंट लगाना पड़ेगा. पहले फिलहाल के लिए हम इसको वी नॉट मान लेते हैं. तो इस डायग्राम में अगर हम दिखाएं इसको तो कैसे दिखेगा ये? इस डायग्राम में अगर दिखाएं तो क्या हमें ऐसा दिखेगा ये वी नॉट होना चाहिए? देखो चेक करो, होना चाहिए सर. हाँ सर.
अब आपको पता है ना रिजिड बॉडी कंस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल आइडेंटिकल होना चाहिए, राइट? दो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में हमेशा इन कॉन्टेक्ट रहेंगे तो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट अलोंग द नॉर्मल सेम होना चाहिए. तो अगर आप देखोगे तो ये सर्फेस है, ये सर्फेस है, और यहाँ पे वो आपका वो बॉब जैसा जो चीज बना रखा है उसने, थोड़ा सा ओवल शेप का उसने बनाया है, बट ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता हमारा. जैसे यहाँ पे ऐसा बॉब दिखाया है, और यहाँ पे वेज का पॉइंट है, और यहाँ पे सोचो बॉब का पॉइंट है. तो बॉब को हमने ऐसे मूव कराया है, वी नॉट, इसी डायरेक्शन में क्यों मूव कराया मैंने उसका ऑलरेडी लॉजिक बताया आपको, क्योंकि उसका पाथ क्या है, सर्कुलर है, समझ आ रही है आपको? और इस डायरेक्शन में वेज का जो वेलोसिटी है दैट इज वी. चेक करो आप एंगल किधर से आपको दिया हुआ है, व्हाट एंगल इज गिवन टू यू. देखो तो ये एंगल क्या थीटा दिया हुआ है आपको. हाँ सर थीटा दिया. तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल कितना हो गया, बी साइन थीटा हो गया ना, राइट? हाँ सर. तो रिजिड बॉडी कंस्टेंट से आपको क्या पता चला, वी साइन थीटा की वैल्यू किससे मैच करनी चाहिए, वी नॉट से मैच करनी चाहिए. समझ आई? आई होप आपको समझ आ गई ये बात सभी को. हाँ सर. ठीक है, दूसरी चीज, अब थीटा तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है? फिक्स्ड है, थीटा इज फिक्स्ड क्वांटिटी. तो अगर इसी इक्वेशन को अगर देखोगे आप, तो देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बोलूँ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल, देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक सेंट्रिपिटल. यही होगा ना, होगा या नहीं? यस होगा. यस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी वही रिलेशन निकालेंगे जैसे हम वी नॉट के लिए निकाल रहे थे, राइट? वेलोसिटी के लिए निकाल रहे थे, वी नॉट के लिए, राइट? क्योंकि इसी इक्वेशन को सोचो, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, v sin थीटा को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के एस्पेक्ट में, तो इसे क्या मिलेगा आपको, dv by dt into sin theta is equal to dv not by dt. यही तो मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं? dv not by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही तो है, ठीक है नहीं है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या बना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, dv by dt क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज. तो a sin थीटा इज इक्वल टू at आ गया, तो आपका सेकंड इक्वेशन हो गया. तो मतलब वेलोसिटी की कंस्टेंट की तरह आप एक्सेलरेशन का कंस्टेंट को डायरेक्टली लिख सकते थे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि थीटा फिक्स है वो मैच कर जाता है, ठीक है? थीटा वेरिएबल होता तो नहीं मैच करता, यहां थीटा फिक्स था. सो इससे आपको यह भी मिल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं क्या क्या फोर्सेज लग रहे थे. इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज मतलब बॉब के ऊपर फोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है? नाउ वी टॉक ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉब. क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, एक ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक है टेंशन इधर, दूसरा है इधर से नॉर्मल रिएक्शन. देखो तो यही सारे फोर्सेस है या और भी कोई फोर्सेस लग रहे हैं, चेक कर लो एक बार. फोर्सेस तो यही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ, फोर्सेस यही है. हाँ सर यही है, ठीक है. अब एक बार कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, लेट अस ट्राई टू ब्रेक द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम जी. ये चेक करो, ये वाली एंगल थीटा है, ठीक है? तो इधर से कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर से कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है? इक्वेशन पहले नॉर्मल के अलोंग ही लगा लेते हैं, ठीक है? तो एन माइनस ऑफ एम जी कॉस थीटा दैट हैज टू बी इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं, राइट? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? राइट. हाँ सर. हाँ सर. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए साइन थीटा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ गई, एम इनटू जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है? उसने देखो ऑप्शन डी देखो दे रखा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वेज ड्यू टू द बॉब इज एम इनटू जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, व्हिच इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है? वी हैव फाउंड आउट नॉर्मल रिएक्शन. अब टेंशन की बात करते हैं. टेंशन निकालना है तो क्या कंडीशन लिखोगे, टी माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा दैट हैज टू बी इक्वल टू एम इनटू सेंटीपेटल एक्सेलरेशन. एंड सेंटीपेटल एक्सेलरेशन तो आपको पता है कितनी होती है, क्या होती है, वी स्क्वायर बाय एल. तो वी स्क्वायर बाय आर, एंड आर इज तो एल ओवर ए ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. हाँ सर. क्योंकि एक एंड फिक्स्ड है तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाओगे आप, दिस विल बी वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल. अब वी नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वी साइन थीटा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो टेंशन की वैल्यू को क्या मिल गया, दिस इज एम जी साइन थीटा एंड प्लस एम इंटू वी साइन थीटा होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एल. दिख रही है आपको, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, क्लियर है? देखो चेक करो एक बार, समझ आ रही है नहीं? हाँ सर समझ आ रही है.
ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में टेंशन की वैल्यू क्या बात कर रहे थे। ऑप्शन सी देखो कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन एमजी साइन थीटा, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ऑल स्टेटमेंट? ट्रू ट्रू, ठीक है तो करेक्ट हो गया। अब उसने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब बेसिकली जब आप निकालोगे तो सेंटीपेटल एंड टेंजेंशियल का स्क्वायर रूट करके निकालोगे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, राइट है ना? हाँ सर, हाँ सर। एक बार वो निकाल लेते हैं, वो तो क्लियरली दिख रहा है वो मैच नहीं करेगा क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ बॉब चाहिए तो आपको करना पड़ेगा रूट अंडर टेंजेंशियल का स्क्वायर एंड प्लस सेंटीपेटल का स्क्वायर। टेंजेंशियल का वैल्यू वॉज, टेंजेंशियल का वैल्यू वॉज हमने निकाला था अभी, कहाँ गया? ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर करना है। एंड सेंटीपेटल का वैल्यू चाहिए तो सेंटीपेटल का वैल्यू था वी स्क्वायर बाय एल, तो ये हो जाएगा वी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। दिख रही आपको? यस सर, हाँ सर। चेक कर लो एक बार, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में वी कहीं है ही नहीं, दिख रही आपको? हाँ सर, दिख रही है। Awesome. और हमारा जो आंसर है उसमें जी मतलब जी कहीं पे भी नहीं है, दिख रहा है? यस सर। तो इसलिए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज एमजी साइन थीटा, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी एंड डी बस करेक्ट हो गया। क्लियर? अ स्मॉल बीड इज स्लिप्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ एल, दिस रॉड स्टार्ट्स मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लेंथ ऑफ द रॉड। ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, देखो डायग्राम में देखो ये लेंथ हॉरिजॉन्टल दिखा रखा है। एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क किया है, तो एक्जेड प्लेन जो है एक्जेड प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्जेड प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। एंड जो वाई एक्सिस दिखा रखा है ये बेसिकली क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस। समझ आ रही है आपको? यस सर, हाँ सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द रॉड स्टार्ट्स मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लेंथ ऑफ द रॉड, अज्यूमिंग दैट इनिशियली द बेड इज बीड इज इन द मिडिल ऑफ द रोड रॉड, फाइंड द टाइम इलैप्स बिफोर द बीड लीव्स द रॉड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द रॉड इज म्यू। बीड और रॉड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। ये डायग्राम बना हुआ नहीं था क्वेश्चन में, ये डायग्राम बनाया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये डायग्राम काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी इसलिए मैंने इसको रखा है, इतने अच्छे से मैं फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पाता, समझाने के लिए काफी अच्छा है ये डायग्राम। देखो पहला चीज ये है कि अगर एक्सेलरेशन हम अगर रॉड को एक एंगल पे दे रहे हैं, देखो ये एक्सेलरेशन उसने एक एंगल पे दे रखा है, ठीक है, तो बेस्ट होगा कि आप अपने फ्रेम को क्या करो, इस रॉड के ऊपर सिचुएट करो। जैसे अपने रॉड के ऊपर अपने फ्रेम को सिचुएट करोगे तो सिचुएशन बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, आपको इस बीड के ऊपर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा या नहीं? हाँ सर, राइट। देखो इस डायग्राम में, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो उसने वही सूडो फोर्स लगाया, दिख रहा है? ये जो है ये बेसिकली सूडो फोर्स है, समझ आ रही है आपको? यस सर। इस सूडो फोर्स का देखो एक कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड और एक पैरेलल टू लेंथ ऑफ रॉड, जो पैरेलल टू लेंथ ऑफ रॉड है वो एम ए कॉस अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड वो एम ए साइन अल्फा। देखो एम ए साइन अल्फा वाला जो फोर्स है उस सेकंड डायग्राम में देखो वो इस बीड को रॉड के अगेंस्ट पुश कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखो, दिख रही है? हाँ सर। इसीलिए देखो यहाँ पे देखो एक छोटा सा उसने एयर गैप दिखा दिया, देखो देखो यहाँ पे देखो एक एयर गैप है, बट देखो इधर कोई एयर गैप नहीं है, देखो इधर कोई एयर गैप नहीं है, देखो यहाँ पे कोई एयर गैप नहीं है, दिख रही है? यस सर। देखो क्यों, क्योंकि इधर से जब आप इसको पुश कर दिए हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाएगा, आएगा ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनेगा। हाँ सर। तो कॉन्टैक्ट बनेगा तो फिर रॉड उस बीड को क्या करेगा, इधर पुश बैक करेगा ना, समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये है एम ए साइन अल्फा जिसकी वजह से वो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुई है। देखो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में इधर दिखा रखा है इसको, समझ आ रही है? वो एम ए साइन अल्फा के अगेंस्ट है वो, इसमें इस डायग्राम में थोड़ा ज्यादा बेटर समझ आ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन वैसा क्यों चूज किया, इसलिए वो डायग्राम बनाया हुआ है। एंड अगर नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी आएगा। फ्रिक्शन किसके डायरेक्शन में आता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रॉड के रिस्पेक्ट में बीड जो है वो इस तरफ जाना चाहता है, क्यों, क्योंकि एम ए कॉस अल्फा उसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश कर रहा है, बट उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो देखो इस डायरेक्शन में मैंने देखो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखा रखा है, दिख रही है आपको? यस सर। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो कैसे कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड ले लो, तो नेट फोर्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड इज एम ए कॉस अल्फा माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दैट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एक्सेलरेशन।
एंड फ्रिक्शन काइनेटिक है, मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख लेंगे, तो एम ए कॉस अल्फा एंड माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन देखो यहाँ पे कितने दिख रही है आपको, एम ए साइन अल्फा दिख रही है, दिख रही है. एम ए साइन अल्फा लिख लेंगे एंड दैट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एक्सेलरेशन. एम गेट्स कैंसिल आउट एंड यहाँ से देखो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई. रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी ए इनटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ म्यू म्यू ए साइन. तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल गई है. अब उसने पूछा है कि ये बीड रॉड से बाहर कब निकलेगा, बीड रॉड से बाहर कब निकलेगा, कैसे निकालें. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट इज पर यूज कर लो. इस बीड को रॉड के रिस्पेक्ट में कितना लेंथ आगे निकलना, ये सोचो. ये वाली लेंथ कितनी दी हुई थी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, क्योंकि उसने बोल रखा था बीड जो है वो मिडिल में था इनिशियली, तो ये लेंथ ऑब्वियसली एल बाई टू होगा. तो विथ रिस्पेक्ट टू रॉड बीड को कितना डिस्प्लेस करना है, एल बाई टू है ना. तो देखो अब एस रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर यूज कर लो. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो यहाँ पे एल बाई टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए रिलेटिव विच इज ए इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ म्यू साइन अल्फा एंड इंटू टी स्क्वायर कर लेंगे. तो यहाँ से देखो आपको टी मिल गई है, सो टी की वैल्यू इज रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ म्यू साइन अल्फा. बट समझ आ गई सभी को. हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. डायग्राम सेटअप देख लो एक बार. The maximum value of m in kg, so hanging block ka mass pooch rahe, so that the arrangement shown in the figure is in equilibrium will be. Aapko har ek jagah ka friction coefficient aapko 0.4 maan ke chalna hai, theek hai. Ek cheez pehle conceptually aap soch ke batao, conceptually soch ke batana. Kya aisa ho sakta hai ki block niche gir jaye, but jo rectangular block hai wo slide na kare horizontal surface pe? Can this happen? No sir. Nahin. No sir. समझ आ रही है आपको? You understand this? है ना? इसका मतलब अगर स्लिप करेंगे तो दोनों क्या करेंगे? एक साथ ही स्लिप करेंगे ना? This cannot happen कि एक स्लिप करे और एक ना करे. ठीक है? हाँ सर. ठीक है. अब एक चीज उसने जो कह रखी है उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m निकालना है. इसका मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m के लिए जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आई होगी, आई नहीं आएगी? हाँ सर. मतलब स्लाइडिंग होने वाली है या हो गई है? होने वाली है. होने वाली. अगर आप m को थोड़ा भी और बढ़ाएंगे, m को अगर थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो पक्का है स्लाइडिंग हो जाएगी. ठीक है, तो इस केस में एक चीज श्योर हो के आप कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग आ चुका होगा. ठीक है, बट एक चीज रियलाइज करो, इफ दिस ब्लॉक इज नॉट एक्सेलरेटिंग, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक्सेलरेट करेगा नहीं, इससे मास बढ़ाएंगे तब एक्सेलरेट करेगा. So if this block is not accelerating, can there be a normal reaction over here? क्या यह normal reaction हो सकता है? सोच के देखो. अगर normal reaction right की तरफ दिखाओगे इसमें, तो क्या ये इसको accelerate करता हुआ नहीं दिखाना पड़ेगा? हाँ sir. हाँ sir. आ रही बात समझ में आपको? Yes sir. समझ realization हो रही है ना आपको कि आप यहाँ पे देखो normal reaction generate नहीं हो सकता. मैंने आपको एक चीज समझाया भी था कि नॉर्मल रिएक्शन कोई भी, मतलब ये दो ब्लॉक को अगर आप टच रख दोगे मतलब एक दूसरे के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अगेंस्ट सम पुशिंग फोर्सेस आता है, याद है आपको? हाँ सर. राइट, कोई पुशिंग फोर्स भी तो होना चाहिए तभी तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा. बट सिंस ये ब्लॉक एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है, ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये नीचे नहीं जाएगा तो ये भी राइट शिफ्ट नहीं कर सकता. अगर ये नीचे जाता तब ये राइट शिफ्ट करता, अगर ये राइट शिफ्ट करता तब इसको धक्का देके लेके जाता. समझ आ रही है? फोर्स आता है तब नॉर्मल रिएक्शन होता. समझ आ रही है? तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी तो क्या यहाँ फ्रिक्शन होगा? नो सर. क्योंकि फ्रिक्शन बिना नॉर्मल रिएक्शन के जनरेट नहीं कर सकते. आप कर सकते हैं क्या? नो सर. नहीं, इसका मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है. मतलब जो कैपलेम और स्मॉल एम दिखा रखा है वहां पे कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे टेंशन आएगा और यहाँ पे एक स्मॉल एम जी आएगा. तो टेंशन और mg अगर इक्वल कर दिया हमने तो क्या डायरेक्टली हमें उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिल गया? टेंशन मिल गया हमें, मिल गया ना टेंशन? हां सर. ठीक है, सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक और इक्विलिब्रियम ऑफ m, ठीक है, हम कंडीशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेंशन की वैल्यू आपकी स्मॉल mg से मैच करनी चाहिए. ये पहली कंडीशन हो गई है. अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे अब कैपलेम के लिए. कैपलेम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है केयरफुली. ठीक है, तो कैपलेम को नाउ फॉर कैपलेम कर रहे हैं. ठीक है, एक ब्लॉक बना लेते हैं पहले.
इज द ब्लॉक. पुली को उसके साथ डिटैच करके बनाना है या उसके साथ अटैच करके बनाना है? अटैच साथ रखना है. हमेशा ध्यान रखेंगे पुली को, हमेशा पुली को कभी भी हम अलग नहीं किया करते, कभी सिस्टम से अलग नहीं करेंगे. तो ये अटैच किया एंड इसके साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो टेंशन दिखाएंगे. तो एक यहाँ का टेंशन, एक यहाँ का टेंशन, एक हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ टेंशन यहाँ नीचे से, यहाँ पे भी टेंशन, और तो कहीं नहीं है. ठीक है, इसका मास कैप्लम है जो कि आपका 10 kg का दिया हुआ है. तो यहाँ से एक 10g आएगा और इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, ये एक फ्रिक्शन आएगा और ये पक्का लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा. हो गया नहीं? हाँ सर. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दिस विल बी म्यू टाइम्स मतलब 0.4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि म्यू का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है. देखो ठीक है. यस. अब देखो डायग्राम में तो ऑलरेडी काफी सब कुछ दिख रहा होगा आपको. वर्टिकल डायरेक्शन में आपका टेंशन है प्लस 10g है एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू n. एंड टेंशन आपने ऑलरेडी स्मॉल mg निकाला तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं दिस इज 10 प्लस m इनटू g. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है. एंड थर्ड इक्वेशन अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, तो t प्लस t ये हो गया राइट की तरफ एंड दैट शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो t प्लस t मतलब 2t एंड 2t मतलब 2 टाइम्स ऑफ mg एंड दैट शुड बी लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. एंड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2mg इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज 10 प्लस m इनटू g. यहां से g गेट्स कैंसिल आउट, ये 2.2 टाइम्स लिख लेते हैं, 0.2 मतलब 1/5 लिख लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं 5m इज इक्वल टू 10 प्लस m. सो देयरफॉर m का वैल्यू आ रहा है 2.5 kg. क्लियर है? देखो एक बार चेक करो, समझ आई क्या? हाँ सर. इसमें मेन चीज एक कंसेप्ट वाइज ये था कि आप मतलब जो ब्लॉक वेज के साथ, मतलब मैं बड़े वाले ब्लॉक को वेज कह रहा हूँ, तो ब्लॉक और वेज के बीच में जो कॉन्टैक्ट था वहां पे आपको फ्रिक्शन नहीं दिखाना था. वो मेन कंसेप्ट था इसका. अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करता तब वहां पे भी फ्रिक्शन आता. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा. जस्ट कॉन्टैक्ट में रहने से कोई नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं होती है. देयर हैज टू बी सम पुशिंग फोर्स अगेंस्ट देम जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो. ठीक ठीक है. ठीक है सर. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं. ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बट इसका एक अप्रोच, मैं आपको एक यूनिक अप्रोच दिखाऊंगा. पहले अप्रोच एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आसान सा एक अप्रोच दिखाऊंगा इसका. ठीक है, एक ट्रिकी मेथड कह सकते हैं. पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं. ये हैंगिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसमें आपको सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है. तो आप क्या करोगे, आप इनके एक्सेलरेशन के लिए कुछ कुछ वैल्यूज चूज करोगे. तो जैसे मान लेते हैं कि हम यू नो किसी को नीचे किसी को ऊपर, जिसको चाहो नीचे जिसको चाहे ऊपर चूज कर सकते हैं, या फिर खुद की लिबर्टी पे हम छोड़ सकते हैं. बस हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जिसको भी अगर आप एक्सेलरेशन को, जिसको भी डायरेक्शन अगर उल्टा चूज करते हो, मान लेते हैं कि ब्लॉक एम टू को, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं नीचे जाता हुआ दिखा रहा हूँ, बट कैलकुलेशन करने के बाद एम टू की वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई. और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपके चूजन डायरेक्शन से क्या होगा, उल्टा तरफ जा रहा होगा. इसका मतलब आपने अगर नीचे चूज किया तो वो ऊपर जा रहा होगा. तो दैट विल बी द ओनली डिफरेंस. बट इक्वेशन अगर सही से लिखा आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? यस सर. ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ मान लेता हूँ. मान लेता हूँ कि M1 जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रही है विद सम एक्सेलरेशन A2, सॉरी M2 की वैल्यू नीचे जा रही है विद सम एक्सेलरेशन A2, M3 नीचे की तरफ जा रही है विद A3, एंड M1 ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन A1. ठीक है, A2 और A3 सेम होते अगर B फिक्स्ड होता, राइट? नहीं है. अगर B फिक्स्ड होता तब हम A2 और A3 को सेम ले सकते थे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो उल्टा होता ही है ना. आई गेट इट. बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन सेम नहीं ले सकते M2 और M3 का. क्यों? क्योंकि जो पुली B है वो शिफ्ट फिक्स्ड नहीं है. तो पहला एक कंस्ट्रेंट ही लगा लेते हैं. यहाँ चेक करो आप, यहाँ का टेंशन T, यहाँ का टेंशन T, ऑब्वियसली TT का यहाँ पे 2T हो जाएगा, 2T. तो यहाँ पे भी आपको 2T मिलेगा. तो कंस्ट्रेंट का रिलेशन क्या बन रहा है देखो, तो 2T इंटू A1 माइनस ऑफ T इंटू A2 माइनस ऑफ T इंटू A3 इक्वल टू 0. इसका मतलब A2 प्लस A3 ये क्या रही है, 2A1 आ रही है. दिख रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट हो गया. वेरिएबल हमने चार चूज किए हैं, A1 A2 A3 एंड टेंशन, और एक इक्वेशन लिख लिया है. अब तीन फ्री बॉडी डायग्राम है. फ्री बॉडी डायग्राम पहले M1 का ही लिख लेते हैं. तो M1 के लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे?
to t minus of m1g is equal to m1 multiplied by acceleration a1. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। थर्ड इक्वेशन आप m2 के लिए लिखो। m2 के लिए नीचे पुलिंग फोर्सेस m2g minus of tension that will be equal to m2 multiplied by acceleration a2. This is your third equation. Similarly of m3 के लिए downward direction में m3 है, so m3g minus of t is equal to m3 multiplied by acceleration a3. ये चार वेरिएबल का चार इक्वेशन आ गया है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट आपका एक कंपेयर करवाना है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है a1 a2 a3 का, उसमें वैल्यूज को 2 3 4 से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो a2 plus a3 was to a1, तो मैं वही लिख रहा हूँ। a2 का वैल्यू पहले, तो m2g minus t divided by m2 plus a3, m3g minus t divided by m3 is equal to 2a1. So 2t minus of m1g divided by m1. Check करो, ठीक है? a2 plus a3 equal to 2a1, ठीक है? अब values को rearrange कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है m2 divided by m2 will be g only, यहाँ पे भी g, तो t वाला term को common out कर लेंगे, अच्छा जैसे कर लेते हैं, g plus g is 2g and 2g इधर से ये वाला टर्म को अगर इधर लेके चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और मतलब 4 आ जाएगा, मतलब 4g हो जाएगा। सो 4g इज इक्वल टू, अब t कॉमन कर लिया तो 1/m2 प्लस 1/m3, अच्छा नहीं माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, नहीं ठीक है प्लस ही करो क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा प्लस n प्लस 4/m बना दिया। देखो तो चेक करो ये आ रही है क्या, एक बार चेक करो आ रही है, ठीक है? तो टेंशन की वैल्यू आपको मिल चुकी है, दिस इज 4g डिवाइडेड बाय 4/m1 प्लस 1/m2 एंड प्लस 1/m3 आ गई। ये टेंशन की वैल्यू आपको मिल गई है। वंस यू हैव गॉट टेंशन, अब आप इंडिविजुअली a1 a2 a3 सारा निकाल सकते हैं। तो पहले a1 ही निकालते हैं, मैं बस a1 को निकाल के बस आपको दिखाता हूँ क्योंकि उससे डेटा आपको मिल जाएगा। सो देखो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2t, तो 2t मतलब a1 लिखना है, तो 2t मतलब 4g by 4/m1 plus 1/m2 and plus 1/m3, so this is 2t minus m1g by m1, so minus of m1g by m1, मतलब यहाँ पे m1 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वैल्यू आ रही है आपके पास 8g डिवाइडेड बाय 4 प्लस m1 बाय m2 एंड प्लस m1 बाय m3 एंड माइनस ऑफ g, सो दिस बिकम्स 8g माइनस 4g बिकम्स 4g एंड माइनस ऑफ m1 बाय m2 एंड प्लस माइनस m1 बाय m3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस m1 बाय m2 एंड प्लस m1 बाय m3, इसको रीडिंग कर लेते तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, अच्छा एक कैलकुलेशन कर लो, ये जी भी रहेगा ठीक ही रहेगा सबके साथ न्यूमेरेटर अभी ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं रुकूं। ऊपर में तो एक्सेलरेशन ही है, ठीक है? अच्छा ऐसे रहने की कोई बात नहीं, इसको चाहो तो पैसे लिख दो। m1 से ही इस इक्वेशन को थ्रू आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल देख सकते हो। तो ये हो जाएगा 4/m1 माइनस ऑफ 1/m2 माइनस ऑफ 1/m3 डिवाइडेड बाय 4/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3 एंड 8।
अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, तो इस तरह से रिजल्ट आ गया. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए वन. ये ए वन हमने निकाल लिया. अब ये तो थोड़ा सा मेहनत करके निकाला, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका दिखाता हूँ. ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका. ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, थोड़ा रिप्लेसमेंट है ऑफ प्रीवियस रिजल्ट जो हमें पता है. देखो, हमें एक चीज में पता है कि कभी भी अगर ऐसा हैंगिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, तो इसको मैंने एटवुड मशीन नाम के एक लॉजिक से समझाया था, आपको याद है कि एक पुली से जब दो मास को हैंग करते हैं, तो यहाँ का जो टेंशन जो जनरेट होता है अगर फिक्स्ड हो, तो ये आता है 2m1m2 by m1 plus m2 into g. याद है आपको? हाँ सर, into g effective. हाँ सर. ठीक है, अगर ये फिक्स्ड हो, पुली फिक्स्ड हो, पहले उसी की बात कर लेते हैं. ये पुली फिक्स्ड हो तो इतना आएगा. तो यहाँ का जब टेंशन लिखोगे तो ट्वाइस ऑफ टी लिखते हो, तो ट्वाइस ऑफ टी लिखने का मतलब क्या है? 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into g लिखोगे, राइट? है ना? हाँ सर. इसका मतलब है कि अगर मैं इसको सपोजली मैं कह रहा हूँ, जैसे ऐसे सोच के देखो, मैं कोई ऑल्टरनेटिव करके अब यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मार्ट वर्क है थोड़ा, इस तरह के सिचुएशन में वो काफी कन्वीनियंट होता है. जैसे आपके पास क्या है, अगर ये सिचुएशन है, ये देखना कितनी आसानी से भी होगा, ये m1 है और यहाँ m2 है, तो यहाँ का टेंशन टी, तो यहाँ का 2t, and this becomes 4 times of m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. तो मैं कह रहा हूं कि अगर सीलिंग पे मैं सोचूं कि कितना फोर्स लगा रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए, मैं क्या एक सिंगल ब्लॉक से इसको रिप्लेस कर सकता था, कि यहां से एक सिंगल ब्लॉक रिप्लेस कर दूं, सिंगल ब्लॉक, एंड इसका इक्विवेलेंट मास कितना चूज करना पड़ेगा, बस इतना सोच लो. तो यहां पे जो ये जो टेंशन है, इसको टी डैश अगर लिख लेते हैं, टी डैश सीलिंग वाले के लिए, तो क्या ये टी डैश की वैल्यू को हम इफेक्टिवली रिप्लेस कर सकते थे इसका मतलब एक पुली से अगर दो ब्लॉक नीचे हैंग कर रहा है, तो उसको रिप्लेस करके आप एक सिंगल ब्लॉक लगा के उसके बाद दूसरे का इमोशन को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, ये वाली सेम कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा. देखो हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, सेम कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं हमारे क्वेश्चन के लिए. एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्पेस यूटिलाइजेशन होगा. इसको हटाइए, तो इस लाइन को हटा देता हूं, कैलकुलेशन इससे पहले. So now we'll come back to question for our question. देखो सिचुएशन ये था, ये सीलिंग था, इधर से m1 लटका हुआ था, और इधर से m2 और m3 का सिस्टम था जो पुली से लटका हुआ था, याद है आपको? हाँ सर. तो यहाँ पे अगर मैं इसको m इक्विवेलेंट कह रहा हूँ, तो ये m की वैल्यू कितनी होगी? 4 टाइम्स ऑफ m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 plus m3 हो गया, नहीं होगी? यस सर. ठीक है, अब देखो, तो एंड टू एंड कनेक्शन है क्या? एंड टू एंड कनेक्शन है? हाँ सर. हाँ सर, और एंड टू एंड कनेक्शन है, तो इधर से mg का फोर्स और इधर से m1g का फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी इधर होगा, तो इसको हमने a1 चूज किया था, तो वही a1 इसका भी होगा. हाँ सर. तो ये a1 को निकालने के लिए क्या हम डायरेक्टली लिख सकते थे? दिस विल बी mg माइनस ऑफ m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज m plus m1 लिख सकते थे. यस सर. ओके, mg की वैल्यू कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ m2 m3 डिवाइडेड बाय m2 plus m3 एंड माइनस ऑफ m1 into g divided by 4 times of m2 m3 divided by m2 plus m3 and plus m1. इसको rearrange कर लेते हैं एक बार, तो हो जाएगा 4 m2 m3 minus of m1 m2 minus of m1 m3 divided by 4 m2 m3 plus m1 m2
प्लस एम वन एम थ्री इंटू जी। अब आप एम वन एम टू एम थ्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, देखो क्या आ रहा है, फोर बाई एम वन माइनस ऑफ वन बाई एम टू माइनस ऑफ वन बाई एम थ्री डिवाइडेड बाई फोर बाई एम वन प्लस वन बाई एम टू प्लस वन बाई एम थ्री इंटू जी। देखो आंसर मैच किया, क्या मैच, ये आया था ना। हाँ सर। देखो एक कितना लंबा किया हमने, एक तो काफी लंबा किया हमने, मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं किया बट लंबा तो किया ना। आपने पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने के बाद आपने इंडिविजुअली तीनों ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशंस लिखे। हाँ सर, एक चीज पूछ रहे थे कि ये जो पहला मेथड जो हम लोग किए तो उसमें जो A2 और A3 मार्क किए तो वो कैसे समझे आप कि दोनों ही नीचे आएगा, मुझे तो लग रहा था कि A2 ऊपर आएगा और A3 नीचे है। तो आप वैसा चूज करो, मैंने आपको तो शुरुआत में ही बोला, आप किसको, आप किस, देखो जब तक न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे तब तक आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और आपको वैसे वैल्यू भी दे दो तो भी कैसे पता चलेगा, हो सकता है ये कैलकुलेशन के बाद ये सच में नीचे आए और ये ऊपर चला जाए, तो ये हो सकता है। अगर अगर आपने कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा चूज किया है ना प्रैक्टिकल वैल्यू से, तो उस केस में आंसर में एक नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का मतलब कि तुम्हारा चोजन डायरेक्शन से वो ऑपोजिट आ रहा है और कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा वैल्यू मान लेते हैं कि A2 का वैल्यू माइनस टेन आ गया, सपोज A2 का वैल्यू माइनस टेन आ गया, तो माइनस टेन आने का मतलब है ये एक्चुअली नीचे नहीं ऊपर जा रहा है टेन से, समझ आ रही है, टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रही है समझ में? हाँ सर समझ गए सर, ठीक है सर। ठीक है, तुमको जो लग रहा है तुम वैसा चूज करो, बट कंस्टेंट अकॉर्डिंगली तुम्हारा चेंज हो जाएगा, समझ आ रही है। तुम अगर इसको ऊपर चूज करोगे, मान लेते हैं A2 ऊपर चूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस A2 के साथ लिखते, समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए तुमको कंस्टेंट लिखते वक्त बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि किसको नीचे लेना किसको ऊपर लेना, जैसा मन कर रहा है वैसा ले लो, क्योंकि तुमको एक्चुअली पता नहीं है कि कौन किधर जा रहा है, हो सकता है A1 ही M1 ही नीचे जा रहा हो, M2 ऊपर जा रहा हो, M3 नीचे जा रहा हो, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज पे डिपेंड करेंगे कौन कितना दे रखा है। मेन ट्रिकी पार्ट ये चीज आपको समझ में आना चाहिए था कि हमने ये किया कैसे, क्योंकि इसमें देखोगे तो काम काफी आसान हो गया है। दिखाने के लिए मैंने ये आपको ड्रॉ करके समझाया है, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो चेक करो, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम एक ब्लॉक है और स्मॉल एम एक बॉब है, बॉब एक पुली के मतलब एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है जो कि पुली से क्रॉस ओवर होके जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन उसमें दे रखा है, इफ एम इज गिवन अ वेलोसिटी वी व्हिच इज ट्वाइस द मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एम फ्रॉम स्लाइडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, कैपिटल एम चाहिए टू प्रिवेंट एक्सेलरेशन ऑफ एम चाहिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एम, मतलब अगर वी की वैल्यू को मैंने ट्वाइस ऑफ मिनिमम वैल्यू दे दिया तब कितनी एक्सेलरेशन से एम स्लाइड करेगा, वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसको करते हैं एक बार, देखो चेक करो, पहला कंडीशन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट स्लिपिंग वो निकालना, ठीक है, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार ही, मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एम फ्रॉम स्लाइडिंग, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है, कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें ताकि वो जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको वी नॉट दे दिया, मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज मिनिमम वेलोसिटी गिवन, ठीक है, टू प्रिवेंट स्लिपिंग, प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ कैपिटल एम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर ये कैपिटल एम स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या ये वाली एंड फिक्स एंड हो गई है, हुई है नहीं? हाँ सर। और अगर ये फिक्स्ड एंड है तो क्या इस ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर होने वाला है, बॉब का पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। हाँ सर। और अगर सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट टेंजेंशियल हो नहीं सकता क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब पक्का है कि जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपेटल है, एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितनी होगी, वी नॉट स्क्वायर बाई एल, तो टेंशन आएगी आपकी ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ आएगी आपकी एम जी, करेक्ट। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे आप, टी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट टू वी नॉट स्क्वायर, राइट। बट ये टेंशन की वैल्यू, ये टेंशन की वैल्यू सोचो, ये टेंशन की वैल्यू, ये ऑलरेडी लिमिटिंग फ्रिक्शन अटेन हो चुका होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी चाहिए था टू प्रिवेंट स्लिपिंग। हाँ सर। तो इसका मतलब पक्का हमने यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग अटेन कर चुकी है, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू को हम लोग किससे इक्वेट कर देते, लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
हाँ सर राइट बट टेंशन इज फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं टेंशन मतलब है mg plus m into v naught square by l and that should be equal to mu times of normal reaction which is capital M into g. ठीक है क्लियर यस सर यस सर यस सर तो यहां से देखो आपको v naught की वैल्यू मिल जा रही है सो v naught का वैल्यू मिनिमम जो आया हमारा दैट इज mu times of capital M सॉरी माइनस ऑफ स्मॉल m into g into l divided by small m and इसका रूट ले लिया तो ये मिनिमम वैल्यू है गया therefore जो एक्चुअल वेलोसिटी हमने दिया है वो कितना दिया है एक्चुअल वेलोसिटी गिवन v is twice of v naught and therefore twice of ये वाली ले लेंगे ठीक है अच्छा v टू v naught ही रहने देते हैं ठीक है अननेसेसरी स्पेस लेगा ठीक है इतनी वेलोसिटी हमने दी है एंड therefore sliding is taking place now right hai na ha sir sliding ho rahi hai pakka hai ab sliding agar ho rahi hai sliding ho rahi hai to kya ye wala jisko humne fixed end mark kiya tha pichli bar kya wo fixed end rahi ab nahi sir nahi fixed end ab nahi rahi wo ab agar fixed end nahi hua to kya us object ki acceleration ko matlab jo hang karta hua object hai kya uski acceleration ko ab bol payenge v square by l hai no sir ये nice. अगर हमने वेलोसिटी दिया भी तो क्या आप इस बार बोलोगे कि इधर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय l होगा नहीं बोल पाएंगे क्यों क्योंकि ये एंड फिक्स्ड ही नहीं है इस बार क्योंकि ये वाले एंड तो स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ समझ आ रही है आपको यस सर एंड आपको याद है मैंने आपको ये कांसेप्ट सिखाया था कि अगर अगर आपको ये फिक्स्ड रहता तब इजीियर अगर फील हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए अपने फ्रेम को कहां फिक्स कर लेना चाहिए उस पॉइंट पे फिक्स कर लेना चाहिए है ना हां सर ताकि हमें वो इजियर एनालाइज हो तो बस वही काम अब हम कर लेते हैं तो हम अपने फ्रेम को क्या करेंगे वहां पे फिक्स करके और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे ठीक है सो स्लाइडिंग तो हो रही है और स्लाइडिंग अगर हो रही है तो जो कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन पहले कितनी आ रही है पहले वो निकाल लेते हैं क्योंकि वही एक्सेलरेशन आपकी स्ट्रिंग की भी होने वाली है तो ये कैपिटल एम को दिखा रहे हैं इधर से टेंशन आने वाला है और इधर से पक्का है फ्रिक्शन की काइनेटिक वैल्यू आएगी विच इज म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम इनटू जी एंड इसकी एक्सेलरेशन एक राइट की तरफ आएगी ए सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकाले तो आएगी टी माइनस ऑफ म्यू एम जी डिवाइडेड बाय सॉरी कैपिटल एम रहेगा म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ठीक है ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया है ठीक है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड अब इस एक्सेलरेशन को दिस इज द सेम एक्सेलरेशन दिस इज ऑल्सो द एक्सेलरेशन acceleration of the horizontal position of string ठीक है तो अभी हम क्या करें यहां पे सो ये जो हैंग का था पोर्शन था यहां से बॉब है इसकी मास स्मॉल m है इसको वेलोसिटी हमने v दे रखा है और यहां पे हम अपने फ्रेम को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेम को फिक्स किया है इसे दिखा देते हैं तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे टेंशन तो दिखाना है बट साथ साथ एक सूडो फोर्स भी दिखाना है क्योंकि इस वाली पॉइंट की जो एक्सेलरेशन थी वो नीचे की तरफ थी तो अब हमें इसके ऊपर एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है दिस विल बी द सूडो फोर्स एंड दैट विल बी मास एम मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए एंड एम जी तो डाउनवर्ड सही एंड अब एक्सेलरेशन इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ठीक है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन इज v square by l. I hope diagram सबको clear है. I hope diagram सबको clear है. तो equation क्या लिखेंगे t plus ma minus of mg is equal to m into v square by l. So tension की value हमने already अच्छा tension की value हमें क्या चाहिए acceleration चाहिए ना तो एक काम करते हैं tension को eliminate कर देते हैं इस equation से tension को eliminate कर देते हैं तो tension की value को लिख देते हैं capital M into A plus mu times of capital M into G and plus MA minus of MG is equal to M by L into V square. V square by 2 V naught square. So 2 V naught ka square karenge to 4 times of V naught square aa jayega. So isko aise likh lete hain.
इसको लिख रहे हैं दिस इज फोर टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर एंड वी नॉट का स्क्वायर इज न्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम न्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू जीएल न्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू जीएल डिवाइडेड बाय स्मॉल एम ये देख ये स्मॉल एम ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गई ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गई एंड यहां से आ रही आपके पास एक्सेलरेशन निकाला था ना आपको तो यहां से आएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू ए इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ न्यू कैपिटल एम माइनस ऑफ फोर टाइम्स ऑफ स्मॉल एम एंड माइनस ऑफ न्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम इनटू अच्छा जी भी रहेगा ना जी रहेगा जी जी हाँ ठीक है न्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम एंड प्लस स्मॉल एम एंड इनटू जी सो दिस बिकम्स 4 minus 1 is 3. So 3 mu capital M minus of 3 small m into g. So therefore acceleration becomes 3 mu capital M minus of small m divided by capital M plus small m into g. The answer is देखो आपको समझ आई क्या कंसेप्चुअली कोई दिक्कत है क्या नहीं कैलकुलेशन तो ठीक है कैलकुलेशन तो ठीक है बेकार है बट मतलब कैलकुलेशन वाली पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप बस मतलब कंसेप्चुअली देख लो कि कोई दिक्कत है या नहीं देखो कोई दिक्कत है अरे मेरी आवाज आ रही है क्लास 12:30 तक कंटिन्यू करते हैं ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है नींद तो नहीं आ रही है नहीं सर ओके सर हल्की आ रही है नींद हल्की आ रही तो थोड़ा सा यू नो जस्ट पानी दे के आ जाओ चेहरे पे अच्छा ठीक है सर ठीक है हल्की आ रही तो 2 मिनट ब्रेक देंगे मतलब पानी पीना है हाँ हाँ आप पी के आ जाइए जल्दी पी लीजिए मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ पी लीजिए आप आ गए हाँ सर ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो एक क्वेश्चन देखो स्क्रीन में ऑलरेडी होगा एक यूनिफॉर्म चेन दिखा रखा है लिंक की तरह देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसकी मास एम और लेंथ एल दिखा रखी है जो लोअर एंड है जस्ट अभी ग्राउंड के सरफेस को टच कर रहा है और उसके बाद कह रहे हैं दी चेन इज रिलीज टू फॉल डाउन फ्रीली फाउंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाई ग्राउंड ऑन चेन व्हेन अ डिस्टेंस एक्स हैज फॉलन डाउन ठीक है मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा आपको मानना है कि मान लेते हैं एग्जिस्टेंस फॉल कर गया है एग्जिस्टेंस फॉल कर गया है तो इनिशियली यहाँ पे था तो फ्री एंड थोड़ा सा नीचे गिर चुका होगा और नीचे में एक लंप बन गया होगा होगा ना थोड़ा सा एक
ऊपर सरफेस के जरा सा उड़ गया होगा, ऐसा कुछ होगा ना? हाँ सर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ लंप बन गया होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस उसने एक्स फॉल कर गया। देखो तो जो फॉलिंग सेक्शन है क्या वो फ्री फॉल में है या नहीं है? फ्री फॉल है ना इसके लिए। हाँ और फ्री फॉल इसका मतलब जो वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स होगा वो रूट अंडर 2gx हो जाएगा, हो गया? नहीं एच हाइट से अगर किसी को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं? रूट अंडर 2gx लिखते हैं या नहीं लिखते? हाँ सर, ठीक है, दिस इज ड्यू टू फ्री फॉल, फ्री फॉल की वजह से। अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितना पोर्शन गिर चुका है वो कितना है? दिस इज अ टोटल लेंथ ऑफ कितनी, एल माइनस एक्स है नहीं है? एल माइनस एक्स ऑन ग्राउंड होगा, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो अगर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मास का वेट निकालता तो यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकते हैं, सिंपली एम इंटू जी कर लेते हैं। बट एक चीज सोच के देखो, ये जो सेक्शन है तुम ये सोच के देखो, यहाँ पे जो सेक्शन आपको दिख रही है ये पूरी की पूरी एलिमेंट सोचो, ये पूरी की पूरी एलिमेंट जो नीचे गिर रही है इसके हर एक लिंक का वेलोसिटी कितना है? रूट अंडर 2gx है ये नहीं है? हर एक लिंक का वेलोसिटी रूट अंडर 2gx फ्री फॉल की वजह से, हर एक लिंक की वेलोसिटी रूट अंडर 2gx है फ्री फॉल की वजह से। हाँ सर, ठीक है। बट इसमें से ये जो सोचो जो लोअर मोस्ट लिंक है इसका इमीडिएटली जस्ट आफ्टर दिस इंस्टेंट में बोलो, जस्ट आफ्टर दिस इंस्टेंट मतलब ये डायग्राम के तुरंत बाद सोचो क्या होने वाला है, क्या ये रेस्ट पे आने वाला है? क्या ये रेस्ट पे आने वाला है? हाँ सर, हाँ सर। और अगर रेस्ट पे आएगा तो ऑब्वियसली इस लिंक पे एक इंपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, क्योंकि आपको याद है किसी ऑब्जेक्ट की अगर सडनली वेलोसिटी चेंज करनी है तो आपको एक इंपल्सिव फोर्स लगाना पड़ता है ना उसमें, जैसे रोकना है सडनली, मतलब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बट अचानक से रोकना है, तो फिर डेफिनेटली आपको उस पर एक इंपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ ताकि वो रुके। जैसे मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा होता है और उसको अचानक से वेलोसिटी देना है तो उसमें आप धीरे धीरे तो नहीं दे सकते, अचानक से देने का मतलब उसमें एक इंपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा तभी अचानक से वेलोसिटी गेन करता है। तो वैसे ही अचानक से रेस्ट पे लाने के लिए भी उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक इंपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऊपर की तरफ, समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो इस लिंक पे जो ऊपर की तरफ जो हमने इंपल्सिव फोर्स लगाया उसका रिएक्शन नीचे की तरफ भी तो इंपल्सिव फोर्स हो गए, समझ आ रही है? तो ये सोच के देखो कि इस लंप पे ये जो लंप है इस लंप पे क्या सिर्फ इस पोर्शन का वेट है या फिर एक इंपल्सिव फोर्स भी है? एक इंपल्सिव फोर्स भी है, समझ आ रही है? तो वो इंपल्सिव फोर्स का वेट को भी आपको ऐड, मतलब उस इंपल्सिव फोर्स का वैल्यू को भी आपको ऐड करना पड़ेगा वहां पे। तो वो कैसे निकालते हैं अब वो बता देता हूं, ठीक है। तो तरीका याद रखना कि मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ उस अप्रोच को याद रखना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक है नॉन इंपल्सिव, ठीक है, नॉन इंपल्सिव, एंड दूसरा है इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव इज ड्यू टू वेट ऑफ पोर्शन ऑन टेबल, ऑन टेबल में जो पोर्शन आपको दिख रही है उसकी वजह से, एंड इंपल्सिव ड्यू टू सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द लिंक ऑफ चेन इन कॉन्टैक्ट विथ टेबल, ठीक है। और इंपल्सिव फोर्स कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, राइट, डीपी बाय डीटी करके निकालेंगे। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा किया, जगह छोटा नहीं है, कम छोटा, अब देखो वो लिंक के लिए अगर आप देखोगे ये वाली वैल्यू के लिए सोचो, ये डायग्राम कैसे सोचेंगे आप?
ये एक लिंक है, इसकी वेलोसिटी v थी एट सम इंस्टेंट एंड इमीडिएटली बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई ना, होगी नहीं होगी हुई सर। अगर v1 की वैल्यू की बात करें v है और v2 की वैल्यू की बात करें तो जीरो है एंड इसका मास अगर एलिमेंटल मास इसको dm की तरफ सोचते हैं तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया, dm into 0 minus v, आया नहीं आया? हाँ सर समझ आ रही है, एंड डिवाइडेड बाय dt कर लेना। देखो आपको समझ आ रहा है नहीं, इक्वेशन समझ आ रही है आपको, इक्वेशन समझ आ रही है? हाँ सर। डीएम को कैसे लिख सकेंगे आप, जैसे ये एलिमेंट एक छोटा सा लेंथ है dx का, ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, तो डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे आप, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ व्हिच इज dx, लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाँ सर। तो इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखो mg / l * l - x + dm / dt को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो m / l * dx / dt * v, ये आएगा? हाँ सर। dx / dt डायग्राम में देखो क्या है, क्या खुद v है वो, ये डायग्राम चेक करो, dx / dt क्या है, v है या नहीं है? हाँ सर। तो dx / dt को v सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dx / dt अगर v सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो क्या आएगा, mg * l - x / l एंड प्लस एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर हो गया, एंड वी स्क्वायर कितना था याद है, 2gx था याद है सर, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा एम जी बाई एल इंटू एल माइनस एक्स एंड प्लस एम जी सॉरी 2mg आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू 2gx थी, 2gx x था ना, मास पर यूनिट लेंथ into 2gx, substitute कर देते m by l into 2gx आ जाएगा, ठीक है, दिख रही है आपको? हाँ तो इसमें वैल्यू आपको मिल गई है, सो mg by l कॉमन आउट कर सकते हैं आप, यहाँ पे mg l by l कॉमन आउट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा l minus x plus 2x, l minus x plus 2x मतलब l plus x आ जाएगा, देखो टेक चेक करो, ठीक है? हाँ सर। देख लो सभी को क्लियर है या नहीं, समझ आ रही है या नहीं, सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। इसी कंसेप्ट पे बेस करके एक और क्वेश्चन है, देखो इधर लेके सिमिलर कंसेप्ट पे बेस है, क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं। A heavy rope of mass m, length l, is fixed at one end and the other end is left free to fall down. Find the force exerted by the rope on the ceiling when a distance x of the free end has come down. आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा होगा कि लेफ्ट एंड जो है वो सीलिंग से अटैच्ड है एंड राइट एंड अटैच्ड नहीं है. Can you see that? हाँ सर. And total length l है, मतलब लेफ्ट की तरफ कितना होगा, l by 2 होगा एंड राइट की तरफ भी एल बाई टू होगा, होगा ना, राइट right? दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगा, करेक्ट? अब उसने ये कह रखा है कि एक्स डिस्टेंस फॉल डाउन कर चुका है, उसके बाद आपको ये बताना है कि कितने टेंशन से बेसिकली रोप सीलिंग को पुल कर रहा होगा, तो मैं एक्स डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद का डायग्राम पहले सोचना पड़ेगा कि एक्स डिस्टेंस फॉल करने के बाद का डायग्राम कैसा दिखेगा, ठीक है, पहले वो सोचना पड़ेगा आपको, सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम आफ्टर falling down a distance x, distance x fall करने के बाद का situation दिखा रहे हैं, चेक करो, ये हमारा ceiling है, कुछ ऐसा है, यहां से मान रहे कि x डिस्टेंस नीचे गिर चुका है, दिस डिस्टेंस इज x,
देखो आपको डायग्राम समझ आ रही है? हाँ सर। ओके, पहले मान लेते हैं यहां तक था, ठीक है, मतलब ये वाली पोर्शन आपकी मान लेते हैं हम, दिस पोर्शन वॉज एल बाई टू, तो क्या ये बता सकते हैं ये कितना होगा? एक्स बाई टू हो गई, नहीं होगा? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ सर, एक्स को दो पार्ट में डिवाइड, एक्स को दो पार्ट में, क्योंकि यहां से जो एक्स नीचे गिरा तो कहां बढ़ा, यहां पे बढ़ गया ना, देखो यहां पे दिख रही है? हाँ सर दिख रही है बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स जो नीचे गिरा वो लेफ्ट हाफ में आधा आ रहा है और राइट हाफ में आधा आ रहा है, समझ आ रही है? तो इस केस में अगेन जब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे टेंशन कितनी जनरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो पुलिंग फोर्स है वो आपको पूछा गया, तो ऑब्वियसली टेंशन पूछा गया है, सीलिंग जितने फोर्स से रोप को पुल कर रहा होगा वही पुलिंग फोर्स क्या होगा, रोप का भी सीलिंग पे होगा, तो ये टेंशन ही निकालनी है। अब ये टेंशन के बारे में सोचो, तो ये क्या सोचोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये हैंगिंग पोर्शन का वेट है या नहीं है, हैंगिंग पोर्शन का वेट, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। और दूसरा है सोचो, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये वाला जो एलिमेंट्स है, ये वाला जो एलिमेंट्स है, इसको चेन की तरह सोचो, ये चेन की तरह सोचो, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो ऐसे चेन के लिंक्स है, ठीक है, ऐसे चेन के लिंक्स की तरह इमेजिन करो, ये सब नीचे गिर रहे हैं, ये सब नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, ये सब नीचे गिर रहे हैं, बट एक चीज इंटरेस्टिंगली नोटिस करोगे तो वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट पे एक चेन का आधा लिंक जो होगा वो इधर चला जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, दिख रही है आपको? मतलब इधर से अगर मैं इधर से अगर dx डिस्टेंस गिराता हूं तो dx का आधा dx by 2 इधर आएगा और dx by 2 इधर आएगा, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, मतलब x डिस्टेंस का आधा x by 2 लेफ्ट में गया और आधा x by 2 राइट में गया, तो वैसे ही dx लेंथ अगर फर्दर नीचे गिरता है तो dx by 2 इधर लेफ्ट की तरफ आएगा और dx by 2 राइट की तरफ जाएगा, तो मोमेंटम जो चेंज होना है, मतलब ऐसे सोच के देखो, इधर से जो dx गिरा तो इधर तो सिर्फ dx by 2 ही ऐड हुआ ना एक्स्ट्रा, समझ आ रही है आपको? इधर जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो तो dx by 2 ही ऐड हुआ, तो ये जो dx by 2 है यही रेस्ट पे आया ना, इधर का जो dx by 2 है वो तो रेस्ट पे नहीं आया। Are you understanding this? हाँ सर। सर ये वाला स्ट्रिंग देखो, ये वाला स्ट्रिंग तो फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली इसके साथ जितने भी पोर्शन होंगे, जितने भी पोर्शन होंगे वो सारे फिक्स्ड होंगे, तो dx by 2 जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है तो उस केस में डेफिनेटली उसकी स्ट्रिंग की टेंशन कितनी जा रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो सडनली जीरो जा रही है, इसका मतलब वहां पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एक इंपल्सिव टेंशन भी आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेलोसिटी तो फ्री फॉल की वजह से वापस से वही सेम एक्सप्रेशन लिखोगे आप, रूट अंडर 2gx सेम एक्सप्रेशन लिखोगे, बाकी का कैलकुलेशन एक्जैक्टली सेम तरीके से करना है, कि यहां से dx by 2 फर्दर आप सोचेंगे तो इधर आ गया होगा, दिस इज dx by 2, अगर ये dx फर्दर, इसको dx by dt की तरह दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब dx अगर नीचे जाएगा तो dx by 2 इधर आएगा और dx by 2 भी इधर आएगा, ठीक है, ये इधर dx by 2, सो अभी ये टेंशन की वैल्यू लिखो, तो इसको दो कंपोनेंट में वापस लिखना, दिस इज नॉन इंपल्सिव एंड प्लस टेंशन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव में हैंगिंग पोर्शन का बस वेट लेना है, तो m by l into l by 2 plus x by 2 and plus tension impulsive which is rate of change of momentum का बस मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को dp by dt, तो अब t की वैल्यू को लिखना है, दिस इज m by l into l plus x divided by 2 and rate of change of momentum, so dp by dt करना होता है, तो dm mass की वैल्यू लेनी है और उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है वो लेना है, तो dm and into velocity का चेंज is 0 minus g and then divided by dt, and dm mass याद रखना dx by dt नहीं होगा, dm mass is not for dx length, वो dm mass किसके length के लिए लेना है, dx by 2 का ही ना, है नहीं है, क्योंकि हाफ लेंथ का ही सिर्फ मोमेंटम का चेंज हम कंसिडर कर रहे हैं, हाफ लेंथ का नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ व्हिच इज dx by 2 एंड इनटू 1 by dt एंड इनटू d आ जाएगा, 0 माइनस d का मैग्नीट्यूड तो v लेंगे, सो दिस बिकम्स m by l इनटू l plus x डिवाइडेड by 2 एंड प्लस dx by dt, तो वापस से v स्क्वायर v हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर by 2 आ जाएगा, एंड वी स्क्वायर को 2gx सब्स्टिट्यूट कर ले तो m by 2l into l plus x and plus v square was 2gx, 2 तो बाहर निकाल लिया तो 2x आ जाएगा,
जी भी रहेगा. अरे जी तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने. यहाँ जी आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ जी आएगा एंड यहाँ पे भी जी आ जाएगा. सो दिस बिकम्स एम जी बाई टू एल इंटू एल प्लस थ्री एक्स आ जाएगा. क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख दिया था, फिर सोचा कि ये शायद आपके लिए ग्रैप करने में डिफिकल्ट होगा, इसलिए पहले आपका ये डिस्कस कर लिया. ठीक है, आई होप दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए आपके लिए. हाँ सर. ठीक है, इसके इसके और उसके में बस एक ही डिफरेंस था कि इसमें जितना भी सेक्शन जो एलिमेंटल लेंथ डी एक्स जब हम उसको नीचे गिरा रहे थे तो उसका पूरा का मोमेंटम चेंज आपको कंसिडर करना पड़ रहा था, बट इसमें जब आप डी एक्स लेंथ को नीचे गिराओगे तो उसके आधे का ही मोमेंटम चेंज कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि बाकी आधे का चेंज नहीं हुआ था. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये वाला देखो. ब्लॉक्स वेर एट रेस्ट व्हेन द फोर्सेस स्टार्टेड एक्टिंग एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन निकालनी है. अभी स्प्रिंग जो है मैक्स नेचुरल लेंथ पे है एंड ब्लॉक्स रेस्ट पे है. अब एक चीज सोच के देखो. पहले एक चीज विजुअलाइज करो. अगर मान लेते हैं कि एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं एक एंड को हम फिक्स कर देते और यहां पे सोचो कि मास m है और यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k लगा रखा है और इधर से हम क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स लगाते हैं. तो पुलिंग फोर्स लगाने से अगर मैं पूछूं मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा. आएगा नहीं आएगा, समझ आ रही है आपको? हाँ सर. राइट, जहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया उसके बाद फिर और आगे नहीं जाएगा, यही तो गेन करेंगे. तो यहाँ पे ये आपका x max हो जाएगा. Did you understand this? Yes, फोर जीरो नहीं करना है, ये आपको समझ आ रही है ना, फोर जीरो नहीं करना है, वेलोसिटी जीरो करना है. क्यों? क्योंकि इनिशियली देखोगे तो फोर्स राइट की तरफ लग रहा है बट स्प्रिंग फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको एक्सेलरेट कराएगा. एक्सेलरेट कराते कराते ले जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे बीच में कहीं पे एक होगा जहां पे अप्लाइड फोर्स और के एक्स जो इधर से लग रही है वो दोनों बैलेंस हो जाएगी. और अगर बैलेंस हो गई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. एक्सेलरेशन जीरो ही बट वेलोसिटी क्या है, इस तरफ होगा डेफिनेटली, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. क्योंकि इसके बाद अगर सिचुएशन पे जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया तो डिसेलरेट कराएगा एंड डिसेलरेट कराते 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 मैक्सिमम इलोंगेशन पे लेके जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हां सर. ठीक है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछते हैं तो वेलोसिटी जीरो करते हैं और अगर इक्विलिब्रियम इलोंगेशन करते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो करते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन का ध्यान रखो. अब इसमें कैसे यूज करें, इसमें तो दोनों एंड मूव कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नहीं दोनों एंड मूव? हाँ सर, दोनों एंड मूव कर रहे हैं. आप देखोगे तो लेफ्ट एंड भी लेफ्ट की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए वन, राइट एंड भी राइट की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए टू. तो अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मोशन किसी एक पे, एक को फिक्स करने से अगर आसान बनती है तो उसको फिक्स करने का तरीका क्या है, उस फ्रेम को फिक्स करना, राइट? और फ्रेम अगर वहां पे फिक्स करेंगे तो बस अब आपको रियल फोर्सेस के साथ साथ आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, दैट इज द ओनली चेंज दैट विल हैपन. या फिर आप डायरेक्टली रिलेटिव मोशन एनालाइज कर लो क्योंकि ए वन ए टू तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है. अगर मान लेते हैं कि ये किसी एक इलोंगेशन पे, मान लेते हैं नेचुरल लेंथ इतना दुख था, ठीक है, ये मान लेते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक का, लेट अस से दिस वाज द नेचुरल लेंथ. अगर ये नेचुरल लेंथ था और इधर से ये मान लेते हैं एक्स वन जा चुका है और इधर से ये आपका x2 जा चुका है, टोटल इलोंगेशन तो x1 प्लस x2 हो गई है, राइट? तो स्प्रिंग फोर्स तो टोटल इलोंगेशन पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल इलोंगेशन पे तो डिपेंड नहीं करती. तो इसको डायरेक्टली kx इधर लिख लेते हैं और इधर से भी kx लिख लेते हैं, जहां पे ये मेंशन कर लेते हैं कि वेयर kx, सॉरी, वेयर x इज द टोटल इलोंगेशन, वेयर x इज x1 प्लस x2. डू यू रियलाइज दिस? समझ आ रही है आपको? हां सर. तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन तो दोनों का पता चल गया. A1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, f माइनस ऑफ के एक्स बाई एम आएगा. फिर A2 का वैल्यू भी लिखोगे अगर, A2 का वैल्यू विल बी f2, सॉरी f1 f2 होगा, f2 माइनस ऑफ के एक्स बाई एम टू होगा, नहीं होगा? होगा सर. ठीक है, अब A1 A2 ऑलरेडी आपको पता चल चुका है विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड, तो किसी एक में बैठ के अगर दूसरे को रियलाइज करोगे तो बस रिवर्ट एंड ऐड लगा लो. So, इस मोशन को एनालाइज करना आसान था, तो हमने क्या किया, सो देयरफॉर फॉर आवर क्वेश्चन
for our question, we fix our frame on M1 pe fix kar lete, and hence at maximum elongation velocity of 2 with respect to 1 kitni honi chahiye, 0 honi chahiye. Samajh aa rahi hai? Is bar very relative 0 kiya hai, samajh aa rahi hai? समझ आ रही है? हाँ सर. देखो आपको कंडीशन ऐसा दिखेगा, देखो ये सरफेस, इस पे ब्लॉक M1 और यहाँ पे ब्लॉक M2. हमने यहाँ पे फिक्स किया अपने फ्रेम को और अब मुझे ये दिख रहा है कि इसके पास एक एक्सेलरेशन इस तरफ है. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 व्हिच इज A1 प्लस A2, क्योंकि रिवर्ट एंड ऐड करोगे दोनों एक ही डायरेक्शन होगा. देखो A1 का M1 का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ था, जब रिवर्ट एंड ऐड करेंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा ना. हां सर. राइट, तो A1 प्लस A2 हो गया. एंड अब सोच के देखो कि ये एक्सेलरेट करके जा रहा है इधर, तो अगर मैं बोलूं कि कब इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी 0 है, U21 0 है. एंड अब आपको यहां तक पहुंचाना है M2 को, तो यहां पे V21 भी आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए. तो ये आपका बेसिकली मैक्सिमम इलॉन्गेशन दे देगा आपको. दिस विल गिव यू द मैक्सिमम इलॉन्गेशन. तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना है ये पूछा है आपको, तो मान लेते हैं इसको x है. अब ये x है आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसमें देखो स्प्रिंग का जो भी इलॉन्गेशन है वो बेसिकली M2 का ही मूवमेंट है या नहीं है? है या नहीं है? M2 जो मूव कर रहा है वही तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है ना. हाँ सर. विथ रिस्पेक्ट टू M1, क्योंकि M1 भी मूव कर रहा था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट हम जब फ्रेम को M1 पे फिक्स कर दी तो सारा डिस्टेंस M2 ही मूव कर रहा है. तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे आप सोच के देखो. सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 वाज A1 प्लस A2, और A1 A2 आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो. F माइनस kx बाय M1, F1 माइनस ऑफ kx बाय M1 प्लस F2 माइनस kx बाय M2, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स F1 बाय M1 प्लस F2 बाय M2 एंड माइनस ऑफ kx कॉमन ले लिया, 1 बाय M1 प्लस 1 बाय M2 आ गया. ठीक है. एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को कैसा लिखा जा सकता है? वी इंटू डीवी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है क्या? मतलब यहाँ पे V21 इंटू DV21 डिवाइडेड बाई DX, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? VdV बाई DX, राइट? समझ आ रही है आपको? हाँ सर. अब DX को RHS में लेके जाओ और इंटीग्रेट करो, तो क्या लिखोगे? V21 इंटू DV21 इज इक्वल टू F1 बाई M1 प्लस F2 बाई M2 इंटू DX एंड माइनस ऑफ 1 बाई M1 प्लस 1 बाई M2 प्लस 1 बाई M2 इंटू KX इंटू DX. और अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना आपको, तो इंटीग्रेट करोगे आप, देखिए छोटा कर दो, सो वी वर डूइंग कैलकुलेशन. देखो तो अभी इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या डालोगे इंटीग्रेशन का? इनिशियली भी 0 एंड बाद में भी 0 वेलोसिटी का, देखो तो चेक करो, राइट? हां सर. एंड x का लिमिट 0 से x तक, और यहां पे इंटीग्रेशन में भी 0 से लेके x तक. तो देखो ये वैल्यू मिल गई है. सो f1 / m1 + f2 / m2 * x इज इक्वल टू 1 by M1 plus 1 by M2 and that multiplied with KX square by 2. और यहाँ से X, X cancel out हो गई and यहाँ से देखो आपको X की value मिल गई है. So X is coming out to be 2 times of F1 M2 plus M2 F1 divided by K times of M1 plus M2. देखो आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही है? आप चाहे तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं. अच्छा, एक F2 था, एक F2 M1 था. आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं. क्यों याद रखेंगे मैं बताता हूँ, उसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है.
जैसे कई बार आपको ये दिखाएंगे M1 M2 का सिस्टम यही रहेगा, मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ इधर से फोर्स F लगा के दिखा दिया और बोला बताओ मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा, तो इसका मतलब F2 का वैल्यू ही क्या हो गया, F हो गया, राइट राइट हाँ, राइट या रॉन्ग? और F1 का वैल्यू कितना हुआ, जीरो, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड से कोई फोर्स नहीं किया, समझ आ रही है? हाँ सर। बोल तो दे, अगर इधर से मैंने सिर्फ और सिर्फ F दिखाया तो ये F2 ही तो F है ना, है या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। और इधर से मैंने कुछ दिखाया नहीं, ये नहीं दिखाया, इसका मतलब F1 का वैल्यू जीरो है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे F1 को जीरो और F2 को F डाल के वैल्यू निकाल सकते थे ना, यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं है, बट इसको जस्ट सॉल्व करने का तरीका याद रखिएगा। चलो इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट मूव करते हैं। फिगर शोज अ सिलेंडर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सल, अ मासलेस स्ट्रिंग इज वुंड ऑन इट, 2.5 टर्न्स, दो बार घुमा के फिर एक बार और घुमाया हुआ है, एंड कनेक्टेड टू टू मासेस m एंड 2m. If this system is in limiting equilibrium, the coefficient of friction between the string and the pulley surface is. आपको string and pulley surface के बीच का friction coefficient निकालना है। ये typical example है, अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक बार situation दिखाता हूँ draw करके। ये सोचो हमारा pulley है। इसके ऊपर में ऐसा स्ट्रिंग को रैप करके लेके जा रहे हैं, एक टर्न, थोड़ा सा जिस नेग्लिजिबल गैप दिखा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो कि एक और कॉन्फिगर टर्न है, एक और टर्न ले लेते हैं, हाफ टर्न, 2.5 टर्न उसने कह रखा है, ये देखो आपको डायग्राम समझ आ रहा है 2.5 टर्न्स का? हाँ सर। ठीक है, 2.5 टर्न्स हुई है यहाँ पे, एंड अभी हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे सिस्टम था उसका वैल्यू निकालना है, तो अगर इस डायग्राम में देखें तो सामने की तरफ 2m लटका हुआ है और पीछे की तरफ आपका m लटका हुआ है, तो इसमें उन दोनों को हैंग करता हुआ दिखा देते हैं, तो यहाँ का टेंशन अगर मैं T2 लिख रहा हूँ तो वो 2mg होना चाहिए, 2m into g होना चाहिए, और यहाँ से टेंशन अगर T1 दिखा रहे हैं तो वो mg होना चाहिए, क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, ये सिस्टम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में ही उसने कह रखा है, तो अभी तो हमने टेंशन की वैल्यू को mg से इक्वेट किया है, अब यहाँ पे टेंशन का मतलब फ्रिक्शन के साथ कैसे रोल है अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो व्हाट आई डू इज मैं इस सिलेंड्रिकल सर्फेस पे एक छोटा सा एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, आई विल टॉक जस्ट ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट which is lying on the surface of the cylinder. यहाँ पे सोचो एक छोटा सा elemental surface दिखा रहे हैं, elemental string बोलो, ऐसा, and say ये d theta का एक छोटा सा angle subtend करता है center पे, ऐसा, I'm taking this angle to be theta, and this over here is d theta, the small angle is d theta. तो इसकी मास अगर dm लिखनी चाहते हैं तो dm will be mass per unit length into length which is r d theta, correct है? Yes, correct. अभी यहां से देखो आप, इसमें
इस एंड पे एक टेंशन होगा टी मान लिया, और इस एंड पे एक छोटा सा इंक्रीमेंट एलिमेंट होगा टेंशन का टी प्लस डी टी, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है? हाँ सर, ठीक है। जैसे जैसे आप एक, जैसे अगर आप देखोगे तो आप जैसे जैसे घूमते जाओगे तो आपको, अच्छा एक टेंशन, एक मिनट रुकिए, ये जो मैंने टेंशन इधर से दिखा रखा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इस डायग्राम में, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, मैं बताता हूँ इसमें क्या गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट, इसको साथ जेल करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, अरे ये यहाँ से मिला हुआ होगा, लटका हुआ तो इधर से, यहाँ से आपका टेंशन मिलेगा क्योंकि अंदर में रैप है T1 से, T2, T1 से, which is MG, समझ आ रही है आपको? दोनों बाहर में थोड़ी हो सकता है, पहला टर्न तो अंदर से ही शुरुआत हो रहा है ना, जहां से एक स्ट्रिंग लटका हुआ है, एंड फिर 2.5 टर्न लेने के बाद फिर आपका सेकंड है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, तो इसलिए वो मैंने बाहर की तरफ गलत दिखा दिया। एनीवेज चलो, अभी ये तो आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते चले जाओगे तो वैसे वैसे टेंशन थोड़ा 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 करके एलिमेंटल इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं एंगल का चेंज डी थीटा का करूंगा तो चेंज ऑफ टेंशन भी आपका डी थीटा, मतलब डी टी का होगा। अब इस केस में इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन जो एक्ट करेगी दैट विल बी अलोंग द सरफेस ओनली। तो यहाँ पे ऐसा दिखा देते हैं, तो यहाँ पे सिंस डी टी मैंने दिखा रखा है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन को मैं डी एफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज डी एफ। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं यहां से, एक मिनट टी लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन आएगा, एंड ये अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे होगा तो फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, लिख सकते हैं सर? यस सर, ठीक है। अब इस, ये जो छोटा सा सेक्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जो सिलेंडर के सरफेस पे, उसका थोड़ा सा एग्जैजरेटेड डायग्राम के बारे में सोचो, उसका एग्जैजरेटेड डायग्राम मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, रीड्रॉ करूंगा बड़ा करके, ठीक है, क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा आसान होगा। ये देखो, ये एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये एक्चुअली एक कर्व है, एंड इसमें इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन बेसिकली सेंटर पे होगा। इधर से टेंशन हमने टी दिखा रखा है और इधर से भी टेंशन हमने टी दिखा रखा है, टी प्लस डी टी। दिस एंगल ओवर हियर इज डी थीटा। मैं क्या करता हूँ, यहां से एक लाइन खींच देता हूँ, यहां से अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे करते हैं। अब देखो टी प्लस डी टी को क्या अप्रोक्सीमेटली टी लिखा जा सकता है, टी प्लस डी टी को मैं बोल रहा हूँ, क्या अप्रोक्सीमेटली टी लिख सकते हैं इसको? हाँ सर, हाँ सर। और अगर ये टी वाली लाइन को अगर एक्सटेंड करें और ये टी वाली लाइन को एक्सटेंड करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये वाली एंगल कितनी होगी, 180 माइनस डी थीटा होगी क्या? हाँ सर, एंड 180 माइनस डी थीटा का जो बाइसेक्टर है उसके अलोंग ही दोनों टेंशन का रिजल्टेंट आएगा क्योंकि दोनों फोर्सेज ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ सर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2t इनटू बाइसेक्टर, मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ डी थीटा बाई 2, मतलब टी कॉस 90 डी थीटा बाई 2, मतलब टी साइन ऑफ डी थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, तो क्या इसको अप्रोक्सीमेट करके टी इंटू डी थीटा लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे, समझ आ रही है? साइन डी थीटा बाई 2 बिकम्स डी थीटा बाई 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इंटू डी थीटा हो गया, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। एंड देखो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। इसका मतलब क्या, फ्री बॉडी डायग्राम से क्या हमें ये नहीं पता चलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली टी डी थीटा? हाँ सर, पता चल गया। तो इसी को प्रूव करने के लिए बेसिकली मैंने एग्जैजरेटेड डायग्राम ड्रॉ किया था। अब जैसे ये पता चल गया है तो अब आपको ये भी पता चलेगा, देखो कि टी प्लस डी टी
should be equal to t plus limiting friction, which is df. Td cancel out ho gayi hai, and dt ki value aa rahi hai df, which is mu times of n, and n is t d theta. Dikh rahi hai? Haan sir. Iska matlab dt divided by t will be mu times of d theta. Likha ja sakta hai, aur isko integrate kar lo. Integration ka limit kahan se kahan tak hoga? Initial tension t1 se final tension t2. And initial angle 0 se leke final angle theta. So ye ho jayega ln of t2 by t1, ln of t2 by t1 will be equal to mu times of theta. This one of t2 will be t1 times of exponential of mu theta. Dikh rahi hai aapko? Haan sir. और यहाँ पर T1 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसका मतलब है टेंशन कैसा वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, समझ आ रही है? हाँ सर। इसको मतलब ये अनकन्वेंशनल सा रिजल्ट है, मतलब नॉर्मली तो ऐसा नहीं देखते हैं आप फ्रिक्शन से क्वेश्चंस, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ना, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि अगर एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग रैप्ड है और वहां पे बीच में टेंशन का वेरिएशन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना कि टेंशन जो टेंशन है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, याद रहेगा आपको? हाँ सर। ठीक है, सो इस केस में टेंशन वेरीज एक्सपोनेंशियली, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट अगर नहीं भी याद हो, कम से कम ये याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, वेरीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एंड आपको T1 और T2 दोनों वैल्यू दिया हुआ था, एक था 2mg एंड एक mg था, एंड e टू द पावर म्यू टाइम्स ऑफ थीटा था, एंड थीटा कितना था याद है? 2.5 रेवोल्यूशन, याद है? 5। हां सर, कितनी लिखेंगे? 5 पाई लिखेंगे क्या? ठीक है, एम जी और एम जी कैंसिल आउट हो गई, एल एन ले लो दोनों तरफ, तो म्यू टाइम्स ऑफ 5 पाई विल बी एल एन 2 आ रही है, तो म्यू की वैल्यू हो गई है एल एन 2 डिवाइडेड बाई 5 पाई, करेक्ट? ओके सर, गॉट इट, 2 डिवाइड बाई 5 पाई, ये ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैंने कुछ शॉर्ट आउट कर रखे थे, बट आज के लिए तो वो कर नहीं पाएंगे, काफी टाइम हो गया है। मैं ये ऑलरेडी ये पीडीएफ भेज देता हूँ आपको, तो आप जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है? उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांच क्वेश्चन है, ठीक है? ये पांच क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए टास्क दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बट इस क्वेश्चन का जब डाउट होगा आपको, तो जी वाले ग्रुप में ही पूछेगा, ठीक है? उस कॉमन ग्रुप जो है हमारा डाउट क्लियरिंग वाला ग्रुप, उसमें मत पूछेगा, ठीक है? क्योंकि ये अननेसेसरी उन लोगों के लिए काम का नहीं है, तो उन लोगों को इतना कुछ सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। डाउट तो होगा ही होगा, ये तो पता है, नहीं डाउट इतना। अब सीख तो रहे ना, आप सीख रहे हैं तो बेसिकली सीख रहे हैं तो काम करने के लिए तो सीख रहे हैं, फिर सीखेंगे उसके बाद, फिर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज थोड़ा ज्यादा देर कंटिन्यू कर लिया, बट इतना मेहनत किया तो इसलिए सोचा कि भाई प्लान था तो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बाय सर, गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय बाय बेटा, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।